सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी के ज्योति जोत दिवस के अवसर पर सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में बड़ी संख्या में संगत नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान जहां संगत ने सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका तो वहीं गुरुबाणी का श्रवण भी किया। इस मौके पर सिंह साहिब ज्ञानी मलकीत सिंह ने बताया कि सिखों के पहले गुरु ने दुनिया भर को कीरत करो वंड छको के फलसफे पर चलने के लिए प्रेरित किया। उसी पातशाह के ज्योति जोत दिवस के अवसर पर जहां विश्व भर के गुरुद्वारा साहिबों हर धर्म के लोग और गुरु नानक नाम लेवा संगत द्वारा ये दिवस बड़ी ही श्रद्धा से मनाया जा रहा है, तो वही सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में भी संगत बड़ी संख्या में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने संगत से अपील की कि वे श्री गुरु नानक देव जी के बताए मार्ग पर चलें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु नानक देव महाराज जिन्हां ने रायपुर की धरती विखे अवतार धारिया भुली हुई मनुखता सच के मार्ग से चलने वास्ते उपदेश दिता। सारा जीवन सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने अपने बख्शिश किए हुए नाम जपो वंड छको किरत करो का उपदेश जिहड़ा सी उस उपदेश दे उत्ते पहरा दिता ते संगतां नूं पहरा देण वास्ते प्रेरणा की। उस उपदेश के तहत सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने किरती गुरु नानक घर के सेवादार भाई लहणा जी नूं यह जोत जिहड़ी सी गुरु जोत उहनां दे हिरदे अंदर टिकाई। सेवा ते सिमरन तों खुश हो के कसवटी विच पूरे खरे उतरदिआं वेख के सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने ते आप करतारपुर की धरती ते उस अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु के चरणों के अभेदता प्रगट की सचखंड प्याना किया। सतगुरु साहब जी का ज्योति जोत पुरब जिथे विश्व के प्रसिद्ध शहरों में गुरु घर गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत ही नहीं हिंदू मुसलमान हर वर्ग के लोग मना रहे हैं। उत्थे श्री दरबार साहब विखे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे सतगुरु साहब जी का ज्योति जोत पुरब मनाया जा रहा है। सतगुरु साहब कृपा करन नामदान इशनान सेवा सिमरनिया दातां बख्शिश करन।